So, second year MCQs 2011, पहला multiple choice question. If length of wire of potentiometer is increased, अगर जो potentiometer के wire है, उसकी length को हम बढ़ा दें, the accuracy in the determination of null point, जो हम null point find करते हैं, in case of potentiometer, तो उस accuracy पे के ऊपर क्या effect पड़ेगा? पहला option increases, decreases, remains the same and becomes zero. So, right answer is increases, याद रखिए, जब भी length of potentiometer के length of wire को increase किया जाता है जो potentiometer का wire है तो जितनी ज़्यादा length वाला wire होता है उतनी ज़्यादा accuracy बढ़ जाती है और ये उस topic के अंदर जो potentiometer का topic है हमने discuss भी किया था उस lecture के अंदर अगर नहीं देखा तो बिल्कुल जाके उसको देखिए पहले number two दो wires हैं एक की resistance R1 है एक की resistance R2 है दोनों को हमने लगाया series में if R1 is greater than R2, अगर R1 जो है वो R2 से ज़्यादा है, the heating would be, heating किसमें ज़्यादा होगी, more in R2, same in R1 and R2, all of these. अब सारी बात ये है कि जो resistance है, दोनों को हमने series में जोड़ा है, तो series में जोड़ने का मतलब ये है कि resistance एक की है R1 और दूसरे की है R2. तो सिर्फ हमें ये चीज़ बतानी है कि heating किसमें ज़्यादा होगी. तो क्लियरली मेंशन है कि भाई R1 में जो है वो R1 जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसी के अंदर हीटिंग ज्यादा होगी क्योंकि जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना पावर का वो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस का जो हीटिंग का होता है वो होता है I स्क्वायर R ठीक है ना और इसी तरीके से पावर को देखेंगे तो फिर वही जो है वो एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी हम फाइंड करेंगे तो वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली ना के इनवर्सली ठीक है ना और ये वाला फार्मूला ही क्यों इस्तेमाल करा क्योंकि करंट कांस्टेंट है सीरीज में जोड़ा हुआ है इस वजह से हम यहां पर ये बात कर रहे हैं जबकि अगर वोल्टेज होता फॉर एग्जांपल इसी फार्मूले के अंदर अगर हमें वोल्टेज कांस्टेंट गिवन होता जो कि पैरेलल के अंदर ही पॉसिबल है तो वहां पर जो है ना रिलेशन कुछ और होता है वो बराबर होता है v स्क्वायर ओवर r ठीक है ना तो ध्यान रखना है क्योंकि करंट कांस्टेंट है इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी यानी कि हीटिंग भी ज्यादा होगी नंबर 3 द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय ठीक है जी ये ट्रांसफार्मर्स का टॉपिक है जिसमें मैंने बताया था कि हम क्यों उसमें लैमिनेशन करते हैं तो याद रखिए वो लैमिनेशन की जाती है जो एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू एडी करंट्स जो एडी करंट्स हैं जो कि अनडिजायरेबल करंट्स हैं ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं कोर में और वो क्या करते हैं हमारी एनर्जी को कम करते हैं तो हम क्या करते हैं हम ट्रांसफार्मर को लैमिनेट करके रखते हैं ताकि ये जो अनडिजायरेबल करंट है ये प्रोड्यूस ना हो नंबर 4 इफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस एफ न्यूटन ठीक है ना दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एफ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस इज सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर प्रोटॉन्स होंगे तो बताइए फोर्स कितनी होगी तो देख लेते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या है एफ बराबर होता है के ठीक है के हो गया कूलम्स कांस्टेंट जो कि इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है और फिर आता है पहले चार्ज पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल का चार्ज यानी कि क्यू वन क्यू टू और फिर आता है डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है ना मुकम्मल ये फॉर्मूला बनता है अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉन थे उनको रिप्लेस करा दिया प्रोटॉन से ठीक है और डिस्टेंस तो सेम है जाहिर सी बात है मास वगैरह तो यहाँ पे कोई है ही नहीं कुछ भी डिस्कशन नहीं है यहाँ पर बात है सिर्फ सिर्फ प्रोटोन की और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पर चार्ज सेम होता है तो याद रखिए फोर्स भी सेम ही रहेगी एफ के बराबर ठीक है हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज हो क्योंकि प्रोटॉन्स हैवियर होते हैं बट ये जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड नहीं करती ये डिपेंड करती है चार्ज पर नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये और याद रखिए फार्मूला वैसे जो हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर एग्जांपल उसको हम के से शो कर देते हैं वो बराबर होता है 3/2 के टी के ठीक है ना ये आ जाएगा 3/2 के टी ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एक गैस का अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 के टी के बराबर होती है जबकि ये जो के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ठीक है अब यहाँ पे बात हो रही है एक मोल की अच्छा ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ना दो मोल की इसकी डबल होगी तीन मोल की थ्राइस होगी दस मॉलिक्यूल्स की 10 होगी ठीक है ना जबकि हमें एक मोल की बात करनी है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं याद रखिए एक मोल के अंदर 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट से भी शो कर सकते हैं तो जैसे मैंने आपको समझाया ना एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी है दो के लिए मल्टीप्लाई बाय टू तो एक मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट
अच्छा के इंटू एन ए ये खुद एक कांस्टेंट है, अगर के यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कराते हैं हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट को यानी कि एन ए को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट खुद बराबर आता है आर के, ठीक है, आर यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट। सो अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट है, जबकि के और एन ए की जगह पे मैंने बताया कि क्या आ सकता है, आर आ सकता है, तो वहाँ पे आ जाएगा आर और सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, टी। तो अगर आप सही आंसर देखो तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा 3/2 आर टी, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है सही आंसर। नंबर 6, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं ब्लैक बॉडी के, तो जो वेवलेंथ है जो करेस्पॉन्ड कर रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी को वो शिफ्ट हो जाती है सिमिलर वेवलेंथ पर, शॉर्टर पर, लॉन्गर पर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन है वेवलेंथ और टेम्परेचर का, जो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जिसके मुताबिक वेवलेंथ जो कि करेस्पॉन्ड करती है मैक्सिमम इंटेंसिटी को, जैसे हम शो करते हैं लैम्डा मैक्स से, लैम्डा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इसका मतलब है वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो इनवर्सली पोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। कहने का मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो आंसर है वो है शॉर्टर वेवलेंथ। नंबर 7, एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइज्ड इन, एमिटर बेस जंक्शन जो होता है किसी भी ट्रांसिस्टर का, ट्रांसिस्टर में देखिए जो जंक्शन होता है ना, ये वाला पहला वाला जंक्शन होता है, ये होता है, ये होता है एमिटर, फिर सेंट्रल पॉइंट हमें मिलता है बेस, ठीक है, ये आ गया बेस, और फिर आता है यहाँ पर कलेक्टर, ठीक है। हर सूरत में हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जो इमिटर और बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड रहे, ठीक है, चाहे वो पीएनपी हो चाहे वो एनपीएन हो, यानी कि हम हमेशा ऐसा करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये एनपीएन ट्रांसिस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर ये एनपीएन है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये फॉरवर्ड रहे, फॉरवर्ड का मतलब ये जो है वो जुड़ेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो पी साइड है वो जुड़ेगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और अगर यही पीएनपी ट्रांसिस्टर होता तो फिर इमिटर को हम पॉजिटिव से जोड़ देते और इसको हम नेगेटिव से जोड़ते, यानी कि हर सूरत में याद रखिए चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन ट्रांसिस्टर हो, दोनों सूरतों में इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। 8, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो है जिसमें जो हमारा सिलेंडर होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, उसको रख देते हैं हम एक इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर हमने इसको रखा है एक इंसुलेटर पे, इंसुलेटर का मतलब है कोई हीट ना ये गेन कर सकता है ना ही कोई हीट ये लॉस कर सकता है, ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, ठीक है। और फिर अगर इसमें एक्सपेंशन करवाई जाए, और एक्सपेंशन किस तरह से कराते हैं, जो थोड़ा सा प्रेशर होता है ना उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं, प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो जो इसकी अपनी एनर्जी होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स की अपनी एनर्जी होती है, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से ये क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स वर्क डन करते हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो मिल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी वर्क डन में, तो याद रखिए इस केस के अंदर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में, जो कि होता है इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नंबर 9, टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, नन ऑफ दीस। याद रखिए जो चार्जेस में होता है उसका ऑपोजिट करंट में होता है, यानी कि हमें पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा करंट की सूरत में, यानी कि आप याद रखिए जब भी दो वायर्स हैं फॉर एग्जाम्पल जिनमें करंट सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया दोनों फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस नतीजे में आप देखेंगे ये जो दोनों वायर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से आप देखेंगे कि ये वायर्स एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, सेम वाले। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होते हैं वो वायर्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, जब भी आप कन्फ्यूज़ हों तो इस फिगर को याद रखिए, सेम वाले, और फिर एक बात तो ये है कि आप फिगर से याद रखो, इन फिगर्स को अपने जहन में छाप लो बिल्कुल, कि भाई बात यह है कि सेम डायरेक्शन वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नहीं तो चार्जेस वाली बात तो पता होगी ना, बस उसका ऑपोजिट कर लो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फ्री पैरेलल वायर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। 10,
A photoelectric cell transforms light energy into, जो photoelectric cells होते हैं वो light energy को convert करते हैं electrical energy में. Photo cells की यही खास बात है कि जब उनके ऊपर light पड़ती है तो वो current produce करते हैं, यानी कि वो light को electrical energy में convert कर देते हैं. Number 11, डी ब्रॉली's wavelength associated with the particle is given by, simple डी ब्रॉली hypothesis का question है. Lambda बराबर होता है h over mv के, या h over p भी हो सकता है कभी कभार अगर option change कर दें तो. याद रखिएगा जो momentum है वो खुद बराबर होता है mv के. Number 12, the minimum energy required for a pair production. Pair production के lecture मैंने समझाया भी था. Pair production कम अस कम जो है, अगर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी होनी चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो बाकी सारी की सारी गलत ही हैं, बस ये कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है. और ये तो हो ही नहीं सकता, मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है. एनर्जी पूछी गई है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, जबकि वोल्ट जो है ये वोल्टेज का यूनिट है. तो हरगिज़ ये गलती मत कर देना, वोल्टेज नहीं बल्कि 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 13, the relation delta V over delta R represent, ये जो relation है delta R, delta V over delta R, ये किस चीज़ को represent करता है. तो याद रखिए मैं आपको voltage की definition बताया था ना, जो voltage का formula, potential difference का formula आप लोग पढ़ते हैं, वो होता है दो चीज़ों के दरमियान का dot product, और वो होता है electric intensity and जो भी distance है, displacement है दो points के दरमियान का, यानी कि delta E into delta R. तो यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है वो रिलेशन बनाया गया है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर का. ठीक है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर ऐसे आएगा ना, तो एक्चुअली किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के. और इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, क्योंकि ग्रेडियंट है पोटेंशियल का, यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर. 14, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम, अगर नंबर ऑफ कॉइल्स को डबल कर दें तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी डबल हो जाती है. कैसे हो जाती है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग जो स्टडी करते हैं ना दो फार्मूलों को कंपेयर करके, उसके जरिए भी आप कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है. नंबर ऑफ टर्न्स का आंसर आपको मिलता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से. तो एक तरफ से हमें फैराडेज लॉ का आंसर मिल गया, एक तरफ से हमें सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक मिल गया, वहाँ से ईएमएफ की वैल्यू मिल गई. और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली हमें मिलेगा कि एन डेल्टा फाई जो है वो बराबर आ जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो एन डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा एल, एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस इंटू डेल्टा आई. ठीक है, तो अगर मुझे वैल्यू मालूम करनी है एल की, तो डेल्टा इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. बहरहाल अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे, बढ़ाएंगे, तो यकीनन सेल्फ इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगी. इसी वजह से मैंने आपको बताया सेकेंड आंसर है डबल्ड. 15, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी एन इंक्रीज इन. ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और उसी का एक फीचर है. अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो आपको बढ़ानी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. और अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आएगा, जहाँ पर कह दें कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएं, तो उसके लिए इंटेंसिटी बढ़ती है, बट फॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वी शुड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड. पीएन जंक्शन डायोड को अगर इंसुलेटर की तरह से काम कराना है तो कैसे कनेक्ट करना चाहिए, याद रखिए उसे रिवर्स बाइस्ड में जोड़ना चाहिए. रिवर्स बाइसिंग में जो डायोड होता है वो करंट को पास नहीं कराता, तो करंट को पास ना कराना, यानी कि वो बिहेव करता है एज इंसुलेटर. नंबर 17, अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रॉ इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स डायमीटर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ दैट ऑफ ओरिजिनल वायर, द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी, रेजिस्टिविटी रहेगी सेम. वजह यह कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नॉट द सैंपल. बात यह कि अगर मुझे एक वायर दिया गया कॉपर का, अब मैं चाहे उसे खींच दूँ, उसका डायमीटर जितना भी हो जाए, हाफ हो जाए, वन फोर्थ हो जाए, उससे उसका मटेरियल तो नहीं बदलेगा ना, उसका मटेरियल फिर भी रहेगा कॉपर. और अगर उसका मटेरियल सेम रहेगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है रेजिस्टिविटी, इस वजह से रेजिस्टिविटी भी रहेगी सेम.